Dear students, let us discuss our next topic of coordination chemistry, that is applications of coordination compounds in qualitative analysis, extraction of metals, and in biological system. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं applications of coordination chemistry in qualitative analysis, that is analytical chemistry, analyze करना. ये salt mixture आपको दिया है, salt analysis इस category में आता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस एनालाइज करना इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट एनालिसिस में कहता है हम डिफरेंट बेसिक रेडिकल्स की पहचान कर सकते बाय कन्वर्टिंग देम इनटू सूटेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच पोजेस डेफिनेट कलर्स. कलर से हम पहचान कर पहले उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका कलर देख के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर देख के हम बता सकेंगे कि इसमें स्पेसिफिक मेटल आयन है या नहीं. कौन कौन से आयन्स हैं बच्चे जिनको हम डिटेक्ट कर सकते, निकल टू पॉजिटिव, कोबाल्ट टू पॉजिटिव, एफई थ्री पॉजिटिव एंड जिंक टू पॉजिटिव. दीज आर द मेटल आयन्स विच कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट detection of nickel 2 positive ion. The presence of nickel 2 positive ion is detected by adding dimethyl glyoxide in presence of ammonium hydroxide to the salt solution when bright red precipitates are formed. आपने क्या करना है बच्चे, आपने salt solution लेना है, आपको नहीं पता कि उसमें nickel है, आपने उसमें डालना है DMG. अगर bright red precipitate बने, bright red precipitate निकल के सिवाय और कोई नहीं बनाता बच्चे, तो निकल टू पॉजिटिव विद DMG, निकल टू पॉजिटिव फॉर्म ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट्स विद बट DMG. अगर ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट बन गए इट मीन निकल टू पॉजिटिव इज बचल गया. अब DMG क्या है बच्ची, ये है DMG, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्साइड, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्साइड. इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है बच्चे, इसमें एक डोनर एटम नाइट्रोजन होता है याद रखना और एक ऑक्सीजन होता है, और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये एच पॉजिटिव यूज करता है, मतलब दिस लिगैंड कैरीज वन नेगेटिव चार्ज इस लिगैंड के ऊपर इन द कॉम्प्लेक्स. ऐसे तो इस वक्त न्यूट्रल है लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा इट कैरीज वन नेगेटिव चार्ज. देखिए यहां पे NIDMG2, हमने इसका फार्मूला क्या लिखा कॉम्प्लेक्स का, अगर आप देखें हमने लिखा NIDMG2, चार्ज कोई नहीं दिया. उसका कारण क्या है, DMG twice. कॉम्प्लेक्स एज ए होल इज न्यूट्रल, इसका मतलब साफ है कि निकल टू पॉजिटिव, डीएमजी एक डीएमजी एक नेगेटिव, तो दो डीएमजी दो नेगेटिव, तो नेट चार्ज इज जीरो. वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये बच्चे कॉम्प्लेक्स बन गया, नाम इसका क्या होगा, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइमेटो निकलेट टू, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइमेटो निकल टू, एट नहीं आएगा, एट तब आता है वेन द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक. ये गलती से लिखा गया है, निकल टू साथ में क्या बनेगा बच्चे, अमोनियम क्लोराइड साथ में क्या बनेगा वाटर. ये हो गया हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ निकल, सिंपल टेक द सॉल्ट सॉल्यूशन टू दिस ऐड डीएमजी इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इफ ब्राइट रेड एसिटेट्स आर फॉर्मड इट मीन निकल इज प्रेजेंट. ब्राइट रेड एसिटेट किसके बनेंगे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. सेकंड प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, अगर आपने कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की प्रेजेंस को चेक करना है तो कैसे करना है बच्चे, टू द सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड अमोनियम थायोसाइनेट, दिस अमोनियम थायोसाइनेट. कोबाल्ट 2 पॉजिटिव मतलब इट मे बी कोबाल्ट क्लोराइड किसी फॉर्म में होगा, सॉल्ट फॉर्म है, सिंपल सॉल्ट फॉर्म है, ये रिएक्ट कर जाएगा किससे बच्चे, अमोनियम थायोसाइनेट से, बना देगा कोबाल्ट थायोसाइनेट. Cobalt thiocyanate again react with ammonium thiocyanate to form this complex. Ammonium tetrathiocyanato cobalt 8-2. This is anionic ligand. Ammonium is positive and this is negative. That is why the ligand name ends in 8. Cobalt 8. So, ammonium tetrathiocyanato cobalt 8-2. It has a blue color. Simple. आपने क्या करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, उसमें क्या डालना है, अमोनियम थायोसाइनेट.
अगर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बने इट मीन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, हम कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे बच्चे, वी आर टॉकिंग ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, इट मीन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट। ब्लू कलर किसका होगा, वो होगा इस कॉम्प्लेक्स का, दैट इज अमोनियम टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट 2। थायोसाइनेटो 4 है तो 4 नेगेटिव, अमोनियम 2 है तो 2 पॉजिटिव, इसका मतलब कोबाल्ट कितना है बच्चे 2 पॉजिटिव, ठीक है बच्चे। इसी तरह से हम नेक्स्ट पे चलते हैं, Fe3 पॉजिटिव फेरिकाइन, इसको कैसे पता करना, फेरिकाइन की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट करते बाय एडिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड उसमें डाल के, व्हाट डू वी गेट फेरिक फेरोसाइनाइड, व्हाट हैपेंस, पोटेशियम इज डिस्प्लेस्ड बाय द Fe3 पॉजिटिव, ये आपस में एक्सचेंज हुआ, अंदर वाला आयरन एक्सचेंज नहीं हुआ यार, इसलिए इसका नाम है फेरिक फेरोसाइनाइड। जो बाहर वाला आयरन है वो फेरिक है, जो अंदर वाला आयरन है बच्चे वो क्या है, फेरस है। फार्मूला देखिए इसका, Fe CN6, मैं आपको दिखाता हूं फार्मूला कैसे बना, इनको जोड़ के आपने फार्मूला बनाना है, ठीक है ना। Fe हम कह रहे हो अंदर वाला है, वो फेरस ही है, इसमें देख ले, इसमें पता चलता है K4 Fe CN6, साइनाइड इज 6 नेगेटिव, आयरन इज 2 पॉजिटिव, पोटेशियम 4 है तो 4 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरो, एक होता है फेरी, इट इज फेरो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में साफ दिख रहा है कि जो आयरन कोऑर्डिनेटेड आयरन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है अपने साथ साइनाइड के, ये प्लस 2 स्टेट में, ठीक है ना। यहां भी ये प्लस 2 स्टेट में है, साइनाइड 6 है, नेगेटिव 6 साइनाइड, तो नेट चार्ज कितना हुआ बच्चे 4 नेगेटिव। हम इसको अब मिटा देते हैं, आपको पता चल गया ये वाले ऊपर है, तो अब नेट चार्ज कितना हो गया बच्चे 4 नेगेटिव, ये वाला आयरन क्या है बच्चे 3 पॉजिटिव। अब आपने इसका फार्मूला बनाना, 4 आ जाएगा यहाँ क्रॉसिंग जैसे करते हैं आप, आयरन का यहाँ आया, फार्मूला क्या बना, Fe4 Fe CN6 होल की प्राइस, दिस इज द फार्मूला, प्लस 12K पॉजिटिव पोटेशियम, ठीक है ना बच्चे, ये पोटेशियम यहां पे आ गया, ये सॉल्यूशन में चले गए, तो दिस कॉम्प्लेक्स हैज ए प्रशियन ब्लू कलर। व्हाट इज द बच्चे टेस्ट, इट टू द साल्ट सॉल्यूशन ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, नॉट फेरी, फेरो, फेरी क्या होता है वो भी बता देता हूं, वो होता है K3 Fe CN6, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये कॉमन नेम है इसका, ये IUPC नेम नहीं है, IUPC नेम होगा इसका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसमें आयरन प्लस 3 है, इसमें आयरन प्लस 2 है, सो इट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कॉमन नेम, इट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, हमने किसको डाला, हमने डाला पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एंड व्हाट डू वी गेट, फेरिक फेरोसाइनाइड, पोटेशियम ब्लू कलर, पोटेशियम ब्लू कलर आया, इट मीन Fe3 पॉजिटिव इज प्रेजेंट, आपका कौन सा आयन प्रेजेंट है बच्चे, Fe3 पॉजिटिव सॉल्ट से जो आया। नेक्स्ट जिंक 2 पॉजिटिव को प्राइस को चेक करना हो, इसमें भी किसको डालते हैं बच्चे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अगेन हियर वी ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो यहां जिंक ने डिस्प्लेस किया किसको, पोटेशियम को बच्चे ऐसे, तो यहां क्या बना, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट 2, सिंपल, यहां पे हमने आयरन, यहां पे हमने Fe3 पॉजिटिव लिखा था, यहां पे आप क्या आ गया बच्चे जिंक, ठीक है। फार्मूला कैसे बनेगा आप दिखा देता हूं मैं, यहां पे अब को भी रख लेते हैं ताकि क्लिक कोरिलेशन आपका क्लियर हो जाए थोड़ा, जिंक Fe CN6, याद रखिए हमने फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला है, Fe CN6, क्या बच्चे जिंक कितना है बच्चे 2 पॉजिटिव, ये कितना है 4 नेगेटिव, ये 2 ये कैंसिल हो गया, फार्मूला क्या बना, Zn2 Fe CN6, ये देखिए बच्चे Zn2 Fe CN6, नाम क्या होगा इसका, इसका हमने IUPC नेम ही लिखा है, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट कितना बच्चे 2, इट हैज ए ब्लूश वाइट प्रेसिपिट, ये बच्चे प्रशियन ब्लू है, ये ब्लूश वाइट है, तो डिस्टिंग्विश हो जाता, अगर जिंक होगा तो ब्लूश वाइट प्रेसिपिट बनेंगे, और अगर Fe3 पॉजिटिव होगा तो बच्चे प्रशियन ब्लू कलर के प्रेसिपिट बनेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, तो ये बच्चे थे यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके अलावा बच्चे अगर आप देखना चाहते हैं अदर एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री
ये देख लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वी कैन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की मदद से हम टू आयंस को भी सेपरेट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ फैक्ट दैट इन द सेम रीजन वन ऑफ द मेटल आयन फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स व्हाइल द अदर डू नॉट। जैसे कहता है सिल्वर पॉजिटिव आयंस को सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरियस क्लोराइड और लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट से अलग करने के लिए, सपोज करें आपको ये तीन प्रेसिपिटेट मिले इकट्ठे, सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरियस क्लोराइड और लेड क्लोराइड, इस प्रेसिपिटेट में से आपने सिल्वर को अलग करना है। तीनों प्रेसिपिटेट फॉर्म में, तीनों इकट्ठे मिले सोल्यूशन में से प्रेसिपिटेट हुए, यू हैव टू सेपरेट द सिल्वर। आपने क्या करना, आपने इसमें एक्वो सोल्यूशन ऑफ अमोनिया डालना, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना। एक्वो सोल्यूशन ऑफ अमोनिया मीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट हैपेंस, इन तीन में से ओनली सिल्वर फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज एक्वस अमोनिया। इन तीन में से सिर्फ किसने सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया बच्चे, सिल्वर ने, डायमीन सिल्वर क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स बनाया। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स विच दे फॉर्म डायमीन सिल्वर क्लोराइड, अलग कर लिया हमने, प्रेसिपिटेट इन सॉल्युबल फॉर्म में रहे, ये डिसॉल्व हो गया, इसको बाहर निकाल लिया हमने। तो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द टू आयंस बाय मेकिंग यूज ऑफ फैक्ट दैट विद द सेम रीजन वन फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स व्हेयर अदर डू नॉट। दिस वाज द यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे बच्चे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज इन मेटलर्जी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बच्चे, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। दीज नोबल मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय फॉर्मिंग देयर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इनको हम उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करके उनका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे सिल्वर की अर्जेंटाइट ओर है बच्चे, अर्जेंटाइट ओर, इसको हम ट्रीट करते सोडियम साइनाइड से। अर्जेंटाइट ओर इज द ओर ऑफ सिल्वर, इट इज ट्रीटेड विद सोडियम साइनाइड। व्हाट हैपेंस, इट फॉर्म ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सिल्वर, इसके साथ क्या बना लेता बच्चे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स NaAgCN twice, दिस इज द कॉम्प्लेक्स विच इट फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। प्लस क्या बन जाता बच्चे, सोडियम सल्फाइड, टू टाइम आप कर लीजिए इसको, ये दो सिल्वर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपने यहाँ पे साइनाइड का नंबर आपने पूरा देना है, सिल्वर को भी बैलेंस करना, सोडियम को भी, तो यहाँ पे भी सोडियम आ रहा दो और यहाँ पे भी सोडियम आ रहा है ना, ये बैलेंस करने के लिए मुझे टू से मल्टीप्लाई करना, ये क्योंकि इधर आड हो जाएगा तो इसलिए मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो दो सोडियम और दो सोडियम कितने होगी, चार, इसलिए चार से यहाँ मल्टीप्लाई किया, साइनाइड चार हो गया, टू से मल्टीप्लाई किया, साइनाइड चार, सिल्वर दो, सिल्वर ऑलरेडी यहाँ पे दो है, तो सल्फाइड दो, सल्फाइड सारी एक, सल्फाइड एक है, तो ये तो हो गई बैलेंसिंग। बैलेंसिंग की तरफ आप ध्यान ना देखिए, आप देखें किसने बनाया क्या, इसने बनाया एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है ना, इसका नाम क्या होगा, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, इसका जो नेम होगा सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। तो हमने सिल्वर को उसकी ओर से ये अलग कर लिया बाई फॉर्मिंग इट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अब आप कहेंगे हमारी सिल्वर तो मिली नहीं, इसके लिए आपको एक स्टेप और चलना पड़ेगा, NaAgCN2 जो आपको मिला इसको आपने ट्रीट करना बच्चे जिंक से। जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बट सिल्वर। जिंक क्या करेगा बच्चे, इसको यहां से डिस्प्लेस कर और इसकी जगह खुद ले लेगा। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे चार है, साइनाइड चार चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने साइनाइड चार लगाए, जिंक इज टू पॉजिटिव, चार नेगेटिव से दो पॉजिटिव निकाले, दो नेगेटिव बच गए, तो उस दो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए सोडियम भी दो चाहिए। फॉर्मूला चेंज होगा, NaAgCN2 इसके साथ जब जिंक रिएक्ट करेगा तो जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, ये पक्का है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक टू पॉजिटिव इज कितना है बच्चे, फोर, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा, सिल्वर, सिल्वर आपका प्रेसिपिटेट हो गया बच्चे, गॉट द सिल्वर। इसी तरह से गोल्ड को उसकी नेटिव ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कहेंगे ये तो गोल्ड ही है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओर, दैट इज इट इज एसोसिएटेड विद लार्ज नंबर ऑफ इंप्यूरिटीज, आपको अर्थ से मिलाया ये गोल्ड, इट इज नेटिव ओर ऑफ गोल्ड,
native ore, that is in which gold is present in the gold form, not in the compound form. तो नेटिव ओर बोलते हैं इसको हम. तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसका भी हम सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बाय ट्रीटिंग अगेन विद पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. देन वी गेट पोटेशियम प्यूरोसाइनाइड या पोटेशियम डाइसाइनो यूरेट, अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना तो प्लस KOH. अब इसमें से कॉम्प्लेक्स को कैसे निकालना, वही तरीका, जिंक से ट्रीट करिए, जिंक गोल्ड को डिस्प्लेस कर देगा. जिंक ने गोल्ड और सिल्वर को डिस्प्लेस क्यों किया, बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिंक की इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है ना, तो जिंक ने इसकी जगह ले ली. लेकिन याद रखें जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है फार्मूला चेंज. दिस इज द यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या बच्चे, मेटल्स, मेटलर्जी में. तो जो नोबल मेटल्स हैं लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय फॉर्मिंग देयर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. क्या बनाते बच्चे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, है ना. उसके बाद नेक्स्ट लेट अस स्टडी नेक्स्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम. ये आपको पता भी है, खासकर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा पता होगा इन बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है बच्चे, अगर आप देखें मेनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हमने तीन एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस किए हैं, एक हीमोग्लोबिन, एक क्लोरोफिल और एक विटामिन B12. विटामिन B12 सब खाते हैं. फर्स्ट वी विल टॉक ऑफ हीमोग्लोबिन. हीम विच इज पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, द रेड पिगमेंट इन द ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हीम विच इज ए पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, द रेड पिगमेंट इन द ब्लड, ब्लड का जो रेड पिगमेंट है बच्चे, दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, दैट सेल्स, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव. इस कॉम्प्लेक्स में एक लिंगेंड है बच्चे, पोरफायरिन. पोरफायरिन लिंगेंड है, ये मैक्रोसाइक्लिक लिंगेंड है. हमने सिर्फ डोनर एटम शो किए, इट हैज 4 डोनर एटम्स नाइट्रोजन. हमने इस लिंगेंड के बच्चे सिर्फ डोनर एटम शो किए हैं, इट इज ए मैक्रोसाइक्लिक लिंगेंड. मैक्रोसाइक्लिक एज 4 डोनर एटम्स, इसने कॉम्प्लेक्स बनाया बच्चे आयरन 2 पॉजिटिव. लेकिन याद रखें इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट हैज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. 4 कोऑर्डिनेशन साइट्स इसकी पूरी हो गई. अब जो 2 बच गए उसमें से एक साइड पे प्रोटीन अटैच होती है बच्चे, प्रोटीन एट वन साइड. जो 6th साइड वेकेंट होती है, दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन अटैच होती है. दिस इज हाउ इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. तो 6th साइट इज फ्री. इन ईच हीम यूनिट 4 ऑफ द 6 कोऑर्डिनेटेड साइट्स, 4 ऑफ द 6 कोऑर्डिनेटेड साइट्स हैं बच्चे इसकी आयरन की. उसमें से 4 जो हैं दे आर ऑक्युपाइड बाय पोरफायरिन लिगेंड. वो किसने ऑक्युपाई की है, पोरफायरिन लिगेंड, है ना. इट इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन डोनर एटम. 5th इज अटैच टू प्रोटीन. जो 5वीं साइड है वो किससे अटैच है, प्रोटीन से. द 6th साइड इज वेकेंट एंड इट इज दिस साइड दैट ऑक्सीजन गेट अटैच. इस साइड से अटैच होकर ऑक्सीजन ये कैरी करता फ्रॉम द लंग्स द बॉडी सेल्स. नेक्स्ट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल बच्चे आपको पता है ये कहां पे यूज होता है, इट इज ए ग्रीन पिगमेंट दैट एक्ट एज फोटो sensitizer in synthesis of carbohydrates in plants and it is a naturally occurring complex compound of magnesium with a macrocyclic ligand belonging to the class of porphyrin. isme bhi jo ligand hai 100% wo nahi hai lekin class wahi hai porphyrin, that is donor atom isme wahi honge. next is vitamin B12. it is a complex, this is very interesting complex, it is a complex of cobalt 1 positive. हम जो कॉम्प्लेक्स बनाए बच्चे, इट इज जो हम लेबोरेटरीज में बनाए, दे आर आइदर इन कोबाल्ट प्लस 2 स्टेट और प्लस 3. जो हमने स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाए, नेचर ने देखें कैसे एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो नेचर इज मच मोर एफिशिएंट देन अस. उसने उस स्टेट में बनाया जिस स्टेट में हम नहीं बना पाए, है ना. इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट विद टेट्राडेंटेड लिगेंड व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू पोरफायरिन लिगेंड of hemoglobin. It is found that vitamin
B12 is active only if cobalt is in plus one state, a state that is not normally exhibited in simple compounds. It is also known as cyanocobalamin, and its deficiency in human body causes pernicious anemia. Aur vitamin B12 ki kami ho jaye bache to khatarnak anemia ho jata hai, khoon ki kami jisko hum kehte hain, dangerous anemia, pernicious anemia. Other uses, extra uses, pad lete hain inko bhi, aapki choice hai, dekhna hoga, याद करना होगा तो कर लीजिएगा, छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन लिखे हैं, लेट अस सी देम. नेक्स्ट वी हैव एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. इसमें हम जो बच्चे कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, ईडीटीए हेक्साडेंटेट रिंग है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, और कितना यूज हुआ उसकी मदद से पता चल जाएगा कि हमारे पानी में कितनी हार्डनेस है, कितने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है. तो दिस इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इन मेडिसिंस. रिसेंटली सिस्प्लेटिन, सिस का मतलब हो गया बच्चे ये कॉम्प्लेक्स, सिस का मतलब हो गया कि क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड, अमोनिया अमोनिया सेम साइड, दिस कॉम्प्लेक्स. दिस कॉम्प्लेक्स हैज बीन यूज्ड इन कैंसर थेरेपी. कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ मेटल पॉइजनिंग. अगर हमारे बॉडी में मेटल पॉइजनिंग हो जाती है तो हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स को यूज करके उन मेटल्स को इनएक्टिवेट करके, है ना, इंसान की जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स है उनको बचाने की कोशिश करते हैं. इन कैटालिसिस सर्टेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट. ब्रिंगसंस कैटालिस्ट है बच्चे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, ये लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल आयन है रोडियम. ही यूज्ड एज होमोजेनियस कैटालिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन. सिमिलरली ये देखिए बच्चे CO CO5, याद रखना जो पहला सीओ है वो कोबाल्ट है, जो दूसरा सीओ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, पेंटा कार्बोनाइल कोबाल्ट, एक्ट एज कैटालिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन्स. इसी तरह से अनदर यूज बच्चे इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम पोटाशियम अर्जेंटोसाइनाइड या पोटाशियम यूरोसाइनाइड, कॉमन नेम आईयूपीएसी ने होगा पोटाशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, पोटाशियम डाइसाइनो यूरेट. इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, इसमें गोल्ड की प्लस वन है. दीज आर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वाटर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये उनके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हैं. हम इनको यूज करके इनको एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करके हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड कर सकते हैं. दूसरे मेटल के ऊपर हमने गोल्ड की प्लेटिंग या सिल्वर की प्लेटिंग करनी हो तो हम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को जो कि वाटर सॉल्युबल हैं इनको यूज करके हम कर सकते हैं. ये भी एक एप्लीकेशन हो गई बच्चे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की. इन फोटोग्राफी the dried film is fixed by washing with hypo solution which dissolves undecomposed silver bromide by forming a complex. जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपकी है उसमें हम अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड को रिमूव करने का, उसको डेवलप करके फोटोग्राफ को नीचे उसमें हम हाइपो सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं एंड इट डिजॉल्व सिल्वर ब्रोमाइड बाई फॉर्मिंग दिस कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स हमारे तो दीज वर द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन chemistry. thank you very much. I do hope that you must have understood all the concept which I have tried to explain in this module.